कि हमारे स्कूल जैसे चल रहे प्राइवेट वो चलते रहे, हम टैगिंग क्यों कर रहे हैं? हमारे लोग हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो दस लाख परिवार कहाँ जाएंगे? नंबर ए स्कूल में डाला है, उसको रात को सोए सोए पता चलता है मैं नंबर सी में एडमिट हो गया हूँ, क्या उसका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा? ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे वजूद की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर टीचर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माजरा है जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम? उषा जम्वाल। आज किस बात को लेकर आप आज सड़कों पर उतरे हैं? प्राइवेट स्कूल की तरफ जो गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज हमारे तरफ रखी हुई, उन्होंने जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा प्राइवेट स्कूल्स का, उसके खिलाफ हम आज सड़कों पे हैं। बहुत सामने हम्बल रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद स्टाफ, हम प्रिंसिपल्स ऑनर्स प्राइवेट स्कूल्स के सब रोड्स पे हैं, ड्राइवर्स कंडक्टर्स हमारे जो भी जितने भी इम्प्लॉई हैं ना सब रोड पे हैं, क्योंकि स्कूल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग, जस्ट क्लोज होने वाले हैं अभी स्कूल ये, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद अभी एंड में हमारे 9th और 10th 11th 12th के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में टैग कर दिए, पढ़ाए हम लोगों ने, कोई एक आध नहीं होगी NOC कोई नहीं क्लियर होगी तो उसके लिए टाइम दिया जा सकता है एक स्कूल को, वो करेंगे क्लियर, क्यों नहीं करेंगे? जो 50 साल से स्कूल चलता आ रहा है वो क्या अभी वो क्लोज हो जाएगा? अभी उसके पास नहीं होगा वो रिकॉर्ड, वो कैसे आया 50 साल से पीछे चलता स्कूल, वो कैसे उन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया अगर उसके पास नहीं ये चीज़ें हैं? तो एवरी ईयर हर चीज़ स्क्रूटनाइज होकर डॉक्यूमेंट होकर हमारी फाइल निकलती है, फिर एंड में अब ये क्या ड्रामा है? और आपको सीख ली है कि आपको NCERT बुक्स ही लगानी है, NCERT बुक्स ही लगानी है, चाहे उसमें कैसा मटेरियल है, चाहे वो प्रिंटिंग उसका मटेरियल, चाहे वो टाइम से अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल भी नहीं होती है वो टाइम पे बुक्स। पहले तो NCERT कुछ अपील रहेगी आपकी? हमारी यही अपील है, जो भी गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेना चाहती है वो कम से कम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से बैठ के पहले बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको बच्चे टैगिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब इतने सालों से बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स पहले फैसिलिटी दे देती ना बच्चों को, पहले फैसिलिटी देती ताकि पेरेंट्स यहाँ पे दाखिला ही नहीं करवाते, वो जाते ही सीधे वहाँ पे। तो जब वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स बच्चे एजुकेशन लेने आए हैं। अब जब एजुकेशन दे रहे हैं तब उनके नए फॉर्म्स आ गए हैं, नए रूल्स आ रहे हैं कि हम टैगिंग कर लेंगे, बट दिस इज़ नॉट द वे ना कि किस तरह से वो बच्चों को ड्रैग कर रहे हैं अपनी तरफ। तो मुश्किल रहता है कि जब गवर्नमेंट एकदम से ऐसा ऑर्डर निकाल देती है, सुबह हमें पता चलता है और सुबह हड़बड़ी मच जाती है। ये गवर्नमेंट का कमी है, उनमें कमी है ये कि उनको पहले ये डिसीजंस लेने चाहिए, स्कूल्स वालों के साथ बात करनी चाहिए कि हम इस तरह के नए रूल्स लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सब कमियां अपनी दूर करें। तो जब आप स्कूल को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, आपको NOC हर एक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, उसके बावजूद आप उनको ये एट द लास्ट मोमेंट बता रहे हैं कि बच्चे आपके स्कूल से ड्रैग किए जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जस्टिस देना चाहिए, स्कूल वालों से बात करनी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो आपने देखा आज यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर जो हैं लगातार प्रशासन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं ये टीचर। जिस तरह से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि जितने भी स्कूल्स में 9th 11th 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें गवर्नमेंट अब जो है रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्हें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, इसको लेकर आज जो है टीचर्स जो हैं इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार जो है धरना प्रदर्शन इस समय जो है किया जा रहा है। जी मैम, जो हमारी डिमांड है एक जेन्युइन सी डिमांड है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको वो क्या कर रहे हैं? टैग कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। हमारी डिमांड है कि हमारे स्कूल जैसे चल रहे हैं प्राइवेट्स वो चलते रहे, हम टैगिंग क्यों कर रहे हैं हमारे स्कूल को? अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ वहाँ पे कम है तो उनकी कैपेबिलिटी पे शक डाउट है, उनको प्राइवेट में मर्ज होना चाहिए, हमारे स्कूल को वो क्यों मर्ज कर रहे हैं वहाँ पे? हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए, ये एक हमारी डिमांड है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि कल एक ऑर्डर जारी हुआ है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे टीचर्स जो हैं प्राइवेट स्कूल के आज यहाँ पर देख रहे हैं हम, काफ़ी तादाद में निकले हुए हैं। मैडम ऐसा है, ये जो J&K बोर्ड ने ऑर्डर निकाला है ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में किसी स्टेट में ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर सबसे पहले जम्मू में निकला है। और आप मुझे बताइए कि हमारे साथ 10 लाख लोग हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दस लाख परिवार कहाँ जाएंगे, वो दस लाख परिवार कहाँ जाएंगे। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम बोलते हैं आप ऑर्डर निकालो, लेकिन वाई ऑर्डर जस्ट टू मंथ्स बिफोर द एग्जाम्स। आप बताइए मैडम, अगर आपका बच्चा 10th या 12th में अपीयर हो रहा है, उसको आपने नंबर ए स्कूल में डाला है, उसको रात को सोए सोए पता चलता है मैं नंबर सी में एडमिट हो गया हूँ, क्या उसका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा? हमारे बच्चे आज कैसे अपीयर होंगे, हमारे बच्चे कैसे अपीयर होंगे आगे? ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे वजूद की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जिन पेरेंट्स ने हम पे भरोसा करके अपने बच्चे हमारे पास डाले। मेरा स्कूल टैग नहीं हुआ, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट को हमें टाइम देना चाहिए था। वी आर नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी, वी आर अगेंस्ट द सिस्टम हाउ दे आर ऑपरेटिंग। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर टीचर्स द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह जेके बोस द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी टैगिंग कर दी गई है गवर्नमेंट स्कूल में, और जिसको लेकर आज जो है यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और स्टाफ मेंबर सारे आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एकदम से ये निकाला हुआ ऑर्डर, जिस तरह से अब 2 महीने बाद जो है एग्जाम्स आने वाले हैं उसको लेकर इस समय यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूल लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसे ऑर्डर्स निकाल देना कहां तक ये जायज है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।